ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 7। अद्भुत अवतार। श्री साई बाबा की प्रकृति, उनकी योगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापरडे के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन। अद्भुत अवतार। श्री साई बाबा समस्त योगी क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं जिनमें धोती, 1 3 इंच चौड़े व 2.5 इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्ववत जोड़ना और समाधि आदि भी सम्मिलित हैं। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रावनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदनोत्सव भी। वे उत्सव में कुश्ती को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहां से हटवा दिया। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति के अनुसार चिरे हुए थे, और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहब चंदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साई लीला पत्रिका श्री बी वही देव द्वारा लिखित, शीर्षक बाबा यवन के हिंदू, पृष्ठ 562 देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहें तो वे सदा वहां धुनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अग्रह द्वारा पूजन आदि सदैव वहां चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कोलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से ही मोहित हो गए। अस्तु, इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य ही क्या है, जो अहम व इंद्रजन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने तथा उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बयान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और मुमुक्षु जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक ना जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे।
वे लोगों के गुहिया व्यापार को पूर्णतया जानते थे और जब वे रहस्य प्रकट करते तो सब विस्मित हो जाते थे। स्वयं ज्ञान अवतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इसी प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट लगती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें पर ब्रह्म ही मानते थे। बाबा की प्रकृति। मैं मूर्ख जो हूं श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से कभी किसी को वे 20 रुपए, किसी को 15 रुपए और किसी को 50 रुपए इस प्रकार प्रतिदिन स्वेच्छा पूर्वक वितरण कर देते थे। प्राप्तकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्य आत्मा में परिणित हो गए। अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंडों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धुनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक कफनी धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार की थी। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी ही विचित्र सी है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उनमें सूजन भी आ गई थी। शिरडी से रिखे छोटे से ग्राम में डॉक्टर कहाँ। तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्राय लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूर युक्त औषधियों को प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र प्राय निरोग हो गए। नेत्र शरीर का अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, बल्कि नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहां दी गई है। बाबा की योगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त योगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जाता है। पहली धोती क्रिया, आंतें स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति 3रे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया। एक 3 इंच चौड़े व 2.5 इंच लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा उसे लगभग 1/2 घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो यह धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी। दूसरी खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात
उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देकर बहुत ही भयभीत हुए। पहले उनकी इच्छा हुई कि ग्राम अधिकारों को यह सूचना देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है, ये सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्ववत हष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही योगी क्रिया किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टरों के डॉक्टर मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता ना कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें भी पत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी ही एक घटना नीचे दी गई है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता की द्योतक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धुनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे और साथ ही धुनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धुनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ ही धुनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव और माधवराव देशपांडे ने बाबा को धुनी में अपना हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्होंने बलपूर्वक उन्हें पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहां से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी धोंक रही थी उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर पर बैठे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहां दौड़कर गई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर गया। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देश पांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चंदोरकर बंबई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयां, लेप, लिंट, मरहम तथा पट्टियां आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोगी पीड़ित भक्त भागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुनः पूर्ववत कसकर बांध लेना। घाव शीघ्र भर जाए इसके लिए नाना साहब चंदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बार बार अनुरोध किया। डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण कराना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयां शिरडी के वायुमंडल में ना खुल सकी और ना उनका उपयोग ही हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। भागो जी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु प्रतिदिन प्रातःकाल घृत से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। श्री साईं बाबा सदृश पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागो जी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते तो भागो जी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे।
प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धुनी के पास आसन पर विराजते, तब भागो जी वहां पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागो जी ने पिछले जन्मों में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भाग्य प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बालक खापरडे का प्लेग। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापरडे अमरावती के श्री दादा साहब खापरडे के धर्मपत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था, पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई। श्रीमती खापरडे भयभीत हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े, अब जो समाधि मंदिर कहा जाता है, के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्ववत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर चार गिरटियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन कर मैं यह अध्याय समाप्त करूंगा। नाना साहब चंदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खान देश के नंदूरबार के मामलतदार थे। उनका पंढरपुर को तबादला हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर, जो भू वैकुंठ पृथ्वी का स्वर्ग सदृश समझा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर अर्थात शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा अर्थात साई बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन की किसी को भी पूर्व सूचना ना थी, परंतु बाबा तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहब नीम गांव पहुंचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है, बाबा महालसापति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में सतब्दता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें, पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं। यह भजन प्रेम पूर्वक गाएं। पंढरपुरला जायंचे जायंचे तिथेच मजला रायंचे तिथेच मजला रायंचे घरते माजा रायंचे। सब मिलकर गाने लगे, भावार्थ मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी का घर है। बापा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहब ने वहां सकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा वहां निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही थे। यह सुनकर नाना साहेब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े
और बाबा की आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत हैं। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बायजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 7 संपूर्ण। बोलिए साईनाथ महाराज की जय।